मौका मिले भाजपा का विरोध करो, मोदी को गाली दो, जहां भी जाओ बस दिन रात सुबह शाम मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, यही कर रहे हैं। और भाजपा का विरोध करते करते इन लोगों को तो देश का विरोध करने की आदत हो गई है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो भाजपा का विरोध कर रहे हैं कि भारत का कर रहे हैं। सीमा रेखाएं लांग देते हैं। साथियों, आपने समाचारों में देखा होगा कि हमारे देश की संसद ने अभी नागरिकता कानून से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव किया और इस बदलाव के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो वहां लघुमती में थे वो अलग धर्म का पालन करते थे, अलग पंथ के अनुयायी थे, इसलिए वहां उन पर जुल्म हुए, उनका जीना मुश्किल हो गया, उनकी बहन बेटियों की इज्जत मुश्किल हो गई। ये तीन देशों से हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, उनको वहां से अपना गांव, घर, परिवार, दोस्त यार सब कुछ छोड़ करके भारत में भाग करके यहां शरणार्थी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके जीवन को सुधारने के लिए इन गरीबों को प्रति सेवा भाव से उनको सम्मान मिले, इसलिए भारत की दोनों सदनों ने भारी बहुमत से इन गरीबों के लिए निर्णय किया, नागरिकता का निर्णय किया। लेकिन ये कांग्रेस वाले और उसके साथी क्या कर रहे हैं? हो हल्ला मचा रहे हैं, तूफान खड़ा कर रहे हैं और उनकी बात चलती नहीं है तो आगजनी फैला रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। और देश, कांग्रेस के लोग, उनके साथी, हमारे विरोध करने वाले लोग, अगर समझ सकते हो तो समझो, आप ये जो कुछ कर रहे हो, आप लोग जो हो रहा है उसको मुख्य समर्थन दे रहे हो, आज जो ये आगजनी फैलाने के प्रयास हो रहे हैं उसको आप आंखें बंद कर करके मुंह मोड़ लेते हो, देश उन्हें देख रहा है और देश का विश्वास पक्का हो जा रहा है, इन दृश्यों को देख करके पक्का हो रहा है कि मोदी ने, देश की पार्लियामेंट ने, भारत की सरकार ने नागरिकता का कानून बना करके देश को भी बचा लिया है।